ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों, तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है।